नमस्कार, मैं हूं सर्वेश दुबे और अयोध्या पर्व की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर हैं और हमारे साथ तीर्थ पुरोहित हैं, जो तीर्थ पुरोहित भगवान श्री राम के भी तीर्थ पुरोहित हैं और उनके कुल का यहां पर पूरा सजरा भी है, पूरा यहां पर रिकॉर्ड मौजूद है। और जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है तो तीर्थ पुरोहित समाज में भी उत्साह का माहौल है। संगम के तट पर तमाम तीर्थ पुरोहित यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को उन्होंने बनते हुए देखा है और अब उस पल के साक्षी बनना चाहते हैं कि जबकि उनके मंदिर का लोकार्पण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, किस तरह के इनके मन में उत्कंठा है, लालसा है और किस तरह से प्रभु श्री राम के आराध्य को लेकर उनके मन में भावनाएं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं दीपू पंडा जी के पास आऊंगा। पंडित जी, ये बताइए कि अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जब प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, तो कितना उत्साह है? रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जो प्रभु श्री राम जी का यह उद्घाटन होने जा रहा है, मन में कभी था कि ये इस जिंदगी में जीते जी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, धन्य है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कि जिनके बदौलत आज हम अपने प्रभु श्री राम जी का जो स्थापना देखने जा रहे हैं, कि जिसका मैं मिश्रा परिवार से हूँ तो प्रभु श्री राम जी का तीर्थ पुरोहित भी हूँ। आप ही तीर्थ पुरोहित है प्रभु श्री राम जी के? जी हाँ, और वो मेरे भगवान भी और वो मेरे जजमान भी। तो मेरे भगवान और मेरे जजमान की स्थापना अयोध्या में होने जा रही है, तो अब उसका तो मुझे शब्द ही प्रसन्नता का नहीं मिल रहा है कि मैं किस शब्द से इस प्रसन्नता का उद्गार आपके सामने कर सकूं। तो ये दीपू मिश्रा जी ने बताया कि एक और रिश्ता है, यहाँ पर भगवान तीर्थ पुरोहित भी मौजूद हैं और यहाँ जजमान और भगवान दोनों का रिश्ता है। हमारे साथ राजेंद्र पालीवाल जी हैं, ये बताइए कि किस तरह से तीर्थ पुरोहित जो है वो आज उत्साहित है, उल्लसित है कि जब प्रभु श्री राम विराजमान होंगे 500 वर्षों के बाद वो घड़ी आ रही है। जी, हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि 14 वर्ष का जो वनवास था जब अयोध्या लौटे थे, तो ये 14 वर्ष आज समाप्त हो रहा है 22 को, जब उनका फिर से स्थापना होगा। और इसके साथ साथ यहाँ से अभी इसके पहले ही तीर्थ पुरोहितों को तिलक करके अयोध्या जाने के लिए सारे तीर्थ पुरोहित को भेजा जा रहा है, जो इसके इच्छुक हैं कि वो जाएं और वहां पर सीधे दर्शन करें, इसलिए उनका तिलक करके उन्हें भेजा जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक बात और भी है कि आज ये जो अवसर आया है, इसके एक साक्षी हम लोगों के बीच में नहीं है, अशोक सिंघल जी, उनका भी बड़ा प्रयास था राम जन्मभूमि न्यास के लिए, उन्हें भी श्रद्धा हम लोग अर्पण करते हैं अशोक सिंघल जी को। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी है। जब राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ तो यहाँ से कलश में गंगा जल भी गया था, लेकिन आज वो पावन घड़ी आ रही है कि जब उसका लोकार्पण होगा, भगवान रामलला विराजेंगे, तो कितना उत्साह मन में है? आदरणीय प्रयागवाद समाज और सारे तीर्थों के महानुभाव लोग, अयोध्या के अयोध्यापति श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं जो शब्द आपके सामने कहना चाहता हूँ, आज हमारा देश, हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा पूरा देश विश्व जो है राममय हो गया है। और इतनी प्रसन्नता है हम लोगों को कि पूरा जन समुदाय वहाँ कर पहुँच करके भगवान श्री राम के उसमें जन्मभूमि के गर्भगृह में दर्शन करे और आनंदित हो। और आज जो है पूरे विश्व में हिंदुत्व की जो रचना हो रही है, हिंदुत्व को जो जागरण हो रहा है, उसके लिए मैं श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को हम हार्दिक हृदयिक उनका आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद। योगी आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबा कालखंड है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, भगवान रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे हैं, तो किस कैसा क्षण है और क्या तैयारी है, आप कैसे जाना चाहते हैं वहाँ पर और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने इस देश के यशस्वी राजा नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लगभग इस वनवास को, प्रभु श्री राम तो हमारे राजा भी हैं, उनको इस वनवास से मुक्ति दिलाकर आज उनके नवनिर्मित मंदिर में हम लोगों को दर्शन और पूजन के लिए जिस तरीके से उन्होंने इस अवसर को प्रदान किया है, मैं नहीं, मेरा आने वाली जो 4 पुस्त बीत चुकी है और जो आने वाली मेरी पीढ़ियाँ हैं वो भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे हमारे मोदी जी को कि उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम जी का दर्शन के लिए हम लोगों को सौभाग्य प्रदान किया। किस तरह की खुशी है मन में कि अब जो है प्रभु श्री राम वहाँ पर विराजेंगे? बहुत ही हर्षोल्लास महसूस कर रहे हैं
और ये महसूस कर रहे कि इस युग में हम लोग जन्म लिए, हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है और सभी परिवार के साथ वहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की मन में उत्कंठा है कि भगवान प्रभु राम जल्दी से जल्दी विराजे और आपको दर्शन करने का मौका मिले? हम अपने तरफ से यथाशक्ति यथा भक्ति की तरफ करके भगवान का जो है अभिनंदन करेंगे। यह बताइए कि प्रयागराज से कहते हैं कि जो भी संदेश जाता है पूरे देश और दुनिया में जाता है, यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, यहाँ अपने पापों का नाश करने के लिए आते हैं, तो यहाँ से जो संदेश जाएगा वो किस तरह का संदेश जाएगा जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबको पालने वाले खुद हैं, पालनहार पालन करता है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको घर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे, ये कामना करते हैं। तो तीर्थ पुरोहित भी ये कामना करें। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का भाव है मन में जब रामलला विराजमान हो रहे हैं और 500 वर्षों के बाद वो क्षण आ रहा है जबकि साक्षी बन रहे हैं हम सब लोग। त्रेता में दशरथ जी ने रामचंद्र जी को जन्म दिया है तो त्रेता में राम राम राममय हो गया था, कलयुग में मोदी जी ने राममय कर दिया। इस समय तो त्रेता को ही हम लोग देख रहे हैं, लग रहा है जैसे त्रेता युग में जी रहे हैं। अच्छा, भगवान राम जब वन गए तो उनका प्रयागराज से भी एक नाता था, वो श्रृंगेरपुर में उन्होंने गंगा को पार किया निषादराज की मदद से, उसके बाद वो भरद्वाज मुनि के आश्रम आए और यहाँ पर संगम के तट पर आकर उन्होंने मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, तो कितना एक अपनापन का रिश्ता है भगवान श्री राम से प्रयागराज को लेकर? जी बिल्कुल, जय सिया राम। और भगवान राम तो सबके मन में ही बसते हैं और इस क्षण को हम लोगों को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने मुगलों को मानसिकता को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है, इसी बस इसका भी उत्साह है मन में। जी जी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी किस किस तरह का उत्साह है, क्या चाहते हैं तीर्थ पुरोहित समाज, क्या चाहता है, क्या भावनाएं अपनी है? सर्वोत्तम तो तीर्थ पुरोहित यही चाहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह तीर्थ पुरोहितों का महान मंत्र है जो सबकी एक की कामना करता है तीर्थ पुरोहित। और यह क्षण यह पल हमारे लोगों के लिए सौभाग्य का दिन होगा कि इस पल को, इस क्षण को हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं और सारा जनमानस, सारा सनातन धर्म इस पल के लिए उत्साहित है, इस पल के लिए बहुत ही प्रशंसा है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि इस अवसर को देखने में उनका विशेष सहयोग प्राप्त। अच्छा, क्या कभी कल्पना की थी कि आपके जीवन में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, वहां पर वो विराजेंगे और दर्शनों का भी आपको पुण्य प्राप्त हो पाएगा? ये ऐसा पहले तो नहीं था, अब संभव हो गया है, नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने ऐसा कर दिया है और सौभाग्य सभी को प्राप्त होगा कि एक बार फिर से दीपावली का अवसर सभी को अपने अपने घरों में दिया जला के रामचंद्र के आगमन का शुभ अवसर प्राप्त होगा। पंडित जी आप उनके पुरोहित भी हैं, भगवान श्री राम की वंशावली आपके पास है, क्या लगता है आपको कि जब वहां पर प्रभु श्री राम विराजेंगे तो आप लोगों ने किस तरह की तैयारी यहां पर कर रखी है, किस तरह के आयोजन होंगे, किस तरह से मंगल गीत गाए जाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं? जी हाँ, दिनांक 22 जनवरी को एक यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और वह सुंदरकांड का पाठ संपुटित होगा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। उसी तरह जैसे कि मोदी जी और योगी जी ने कि कौन सा काम था जो उनके लिए कठिन था, कठिन से कठिन काम को सरल कर दिया, तो उसे संपुट करके ये एक सुंदरकांड का पाठ और माँ गंगा यमुना सरस्वती में दीपदान और आरती, ये सारे कार्यक्रम यहाँ त्रिवेणी संगम क्षेत्र में 22 जनवरी को ये किए जाएंगे जो है। और आपके न्यूज 18 के माध्यम से मैं एक संदेश उन लोगों को देना चाहता हूँ जो आजकल वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर में एक प्रश्न उठा रहे हैं कि पत्नी के बगैर वो कैसे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो उनसे आग्रह है पहले रामायण उठा के पूरी तरह से पढ़ लें। वो जब पत्नी के बगैर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कर दिया तो वो तो सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा की बात है, और ब्राह्मण स्वर्ण के कुशा का पत्नी बनवा सकता है, छत्री ऐसा विधान है आप कह रहे हैं? हाँ, छत्री स्वर्ण का पत्नी बनवा सकता है जैसे सीता को बनवा के रखा था, वैश्य चांदी के पत्नी को बनवा सकता है और शूद्र लोहा के पत्नी को बनवा के बगल में बैठा के प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगा, और अगर आपको ज्ञान नहीं है उन साधुओं को जो विरोध कर रहे हैं तो पहले रामायण उठा के पढ़ लें, उसका ज्ञान ले लें,
तब इस पर बयानबाजी करें। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रभु श्री राम अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान होंगे, उस दौरान प्रयागराज की धरती पर माघ मेला चल रहा होगा, जाहिर सी बात है कि जब बड़े श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे तो प्रयागराज आएंगे, आप लोगों ने किस तरह की तैयारी उन श्रद्धालुओं के लिए की है? देखिए, सबसे पहले तो ये मेले का आयोजन प्रारंभ हो रहा है और जो भी श्रद्धालु अयोध्या के बाद प्रयाग आएगा, तीर्थ पुरोहित उनका हृदय से स्वागत करेगा और उनके जो भी मन में मनोकामना होगी उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए कि जब महाराजा रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका में रावण का वध करने के बाद भी प्रयागराज आए थे और यहाँ पर आने के बाद ही जब यहाँ पे कर्मकांड किया तब उस ब्रह्मदोष से मुक्ति पाए थे, तो श्री राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जाने का और वापस आने का दोनों का साक्ष्य है स्वयं में कि हाँ प्रयाग से उनका कितना जुड़ाव था। तीर्थ पुरोहित भी यहीं से हैं, उनके भी भगवान श्री राम के, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से अब जब ये घड़ी आ रही है तो तीर्थ पुरोहित समाज उत्साहित है और क्या करने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है? वहाँ से वापस आने के बाद या वहाँ जाने के लिए जो भी यहाँ आएगा उसका जो भी यथासंभव सेवा हो सकेगी तभी हमारे तीर्थ प्रयागराज समाज के सभी लोग उत्साहित हैं, जो भी यहाँ आएंगे सबको उचित सेवा प्रदान की जाएगी। अच्छा, अगर बात करें तो अब काफ़ी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा दिया गया है, अब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है, नए रेलवे स्टेशन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, तो क्या लगता है इससे कितना पर्यटन बढ़ेगा? और एक सर्किट भी बनाया जा रहा है राम वनगमन मार्ग जिसमें प्रयागराज को भी जोड़ा गया है, क्या फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ काशी, काशी के साथ अब मथुरा का भी नंबर लग गया है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी पर्यटन विभाग हैं सबका प्रयागराज से और प्रयागराज का उन सब जगहों से बहुत ही अच्छा संबंध है, इससे प्रयागराज के लोगों पर भी पर्यटन विभाग का एक अच्छा वो प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है पंडित जी, इससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी यहाँ पर जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, वहाँ पर लोकार्पण हो जाएगा और प्रतिष्ठा हो जाएगी? जब ये कार्यक्रम हो रहा है उसे जो है हमारा पूरा समाज, पूरा देश जो है एकदम वो भगवान के उसमें प्रेम में एकदम वो भाव विभूत हो गया है और पूरा जनमानव जो है श्री राम का नारा वहाँ अयोध्या पहुँच करके और वहाँ पे लगाएगा और पूरा विश्व में इसका जो है मोदी का और उनका योगी जी का डंका जो है पूरे विश्व में फैलेगा, इसके लिए हमें हार्दिक वो कितनी सरकारें आईं कितनी सरकारें गईं इसका किसी ने बीड़ा नहीं उठाया, नवाद तक वो मंदिर बना, लेकिन प्रभु राम की कृपा से, प्रयागराज की कृपा से, भरद्वाज मुनि की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से आज ये जो निर्माण हो रहा है उसके लिए कोई जो है आज तक इसका कोई मिसाल नहीं होगा और ये उसके लिए जो है ठीक है। अगर बात करें कि आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको जिस तरह से अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्रतिष्ठा हो रही है, कितना उत्साह है आप लोगों में? तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोगों में जो राम को मानने वाले लोग हैं, देखिए राम को मानने वाले हों चाहे ना हों लेकिन राम जन जन मानस के मन में बसते हैं, तो जो भारत में रहने वाले हैं सनातनी वो राम जी के जो भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है 492 साल लगभग 500 वर्ष के बाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, आस्था का केंद्र बन रहा है, इससे तीर्थ पुरोहित समाज भी अति उत्साहित है क्योंकि तीर्थ पुरोहितों से और भारतवर्ष से राम का गहरा नाता है, रोम रोम में राम बसने वाले हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई राम को माने या ना माने वो इनडायरेक्टली राम की वो राम का ही शब्द आता है, कभी भी कष्ट होता है विपत्ति होती है, राम जब आ रहे हैं तो मन में क्या है? बस मन में क्या रहेगा, राम राम रेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुतुल्यम राम नाम वरानन्य, भगवान श्री राम का एक नाम लेने से सहस्त्र गुना जो है फल मिलता है, सहस्त्र यज्ञों का जो है फल मिलता है, ऐसा हमारे वेदों में पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री राम का नाम का महत्व ही एक अलौकिक है कि जिसकी महिमा जिसका वर्णन हम लोग करने में सक्षम नहीं। मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, इच्छा तो है लेकिन हम लोग यहीं पे रह के कुछ तीर्थ पुरोहितों को जो तिलक ले करके उनको विदा करेंगे और यहाँ पे सारे तीर्थ पुरोहित अपने तखत पे अपने घरों में दीप उत्सव का जो है कार्यक्रम करेंगे। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल भी है आपसे, और भगवान श्री राम जब विराजने जा रहे हैं 500 वर्षों के बाद ये घड़ी आ रही, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए हमारे, क्या सुनाएंगे? इतना ही कहूँगा कि जो राम के सहयोगी हैं वो भी और जो राम के विरोधी हैं वो भी,
प्रभु श्री राम उनकर कृपा करे, मरने के बाद भव सागर पार राम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो सीता राम चरण रति मोरे, आलो दिल बाड़ा ही अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और वो घड़ी आ रही है 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों में उत्साह भी है और वो भी चाहते हैं कि जल्द ही वो शुभ घड़ी आए। हालांकि भगवान श्री राम का एक संबंध यहां से और पता चला है, वो है कि भगवान श्री राम न केवल भगवान है बल्कि यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के यजमान है। यहाँ और तीर्थ पुरोहित भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। यहाँ पर दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित यहाँ से चंदन टीका करके अयोध्या भी दर्शनों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरे देश के साथ प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित भी उत्साहित हैं और उनके मन में भी यही चल रहा है कि जल्द ही वो घड़ी आए जिसका सबको इंतजार है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और कर दीजिए, विजुअल जा रहा है, बोल दीजिए। कोई भजन है क्या, कुछ गा सकते हैं? हनुमान चालीसा। राम राम रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणा, लव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीलनी सुंदरम पटपी